Hi friends, welcome back to my channel English Learner Tips. My name is Anamika. In this video, I am going to explain you the fourth part of past tense, that is past perfect continuous tense. So friends, let's get started. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं past perfect continuous tense की हिंदी पहचान. पहचान देखते हैं. पहचान रहा था, रहे थे, रही थी. रहा था, रहे थे, रही थी. इट्स हेल्पिंग वर्ब. हैड बीन, हैड बीन. वर्ब फॉर्म वीवन प्लस आईएनजी. तो फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले देखिए हमने इस टेंस की पहचान. रहा था, रहे थे, रही थी. इट्स हेल्पिंग वर्ब हैड बीन. सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो गए, दैट इज हैड बीन. इट्स वर्ब फॉर्म वीवन प्लस आईएनजी. तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें सिंस और फोर का यूज होगा, तो चलिए उसका यूज देखते हैं. सबसे पहले उसमें देखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फोर. Since should be used with definite timing. Definite timing, or you can say exact timing. For should be used with indefinite timing. Right, definite timing like friends morning, evening, 11 September 2020, like this. Indefinite timing like 2 hours, 4 minutes, like this. 1 year, right? Since किसके साथ यूज होता है? Since हमेशा definite timing के साथ यूज होगा और for हमेशा indefinite timing के साथ यूज होगा. ये clear हुआ? अब देखते हैं कुछ examples. तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस और यू कैन से सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस फुल स्टॉप. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस फुल स्टॉप. राइट, एग्जांपल देखते हैं. लाइक राम 2 घंटे से फ्री फायर खेल रहा था. राम 2 घंटे से फ्री फायर खेल रहा था. सबसे पहले सब्जेक्ट राम, हैड बीन प्लेइंग, प्ले इज वीवन एंड आईएनजी प्लस आईएनजी प्लेइंग व्हाट फ्री फायर 4 2 hours. राम हैड बीन प्लेइंग फ्री फायर 4 2 hours. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ फोर प्लस फुल स्टॉप. राइट, राम 2 घंटे से फ्री फायर खेल रहा था. एक और एग्जांपल देखते हैं. लाइक ये तो इरेज हो गया, कोई नहीं, नीचे लिखेंगे. वह 10 साल से दिल्ली में रह रहा था.
वह 10 साल से दिल्ली में रह रहा था. He had been living in Delhi since, sorry, 4, because it is indefinite time, 4, 10 years, right? इसमें वह 10 साल से दिल्ली में रह रहा था. He had been living in Delhi for 10 years. Right? आप देखते हैं कुछ negative sentences. Negative sentences basically वो sentence जिसमें ना की बात रखी हो, जिसमें हम कोई चीज मना कर रहे हो. इसी में देखते हैं. Negative sentence. सबसे पहले subject. Plus had plus not. प्लस बी प्लस लिविंग प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस फुल स्टॉप. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस लिविंग प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, राम 2 घंटे से फ्री फायर नहीं खेल रहा था. राम 2 घंटे से फ्री फायर नहीं खेल रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था. सबसे पहले सब्जेक्ट, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग मीन्स फ्री राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फ्री फायर फॉर 2 आवर्स. मीन्स राम हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था. राइट, अब देखते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली वो सेंटेंस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हो. राइट, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस विविन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क किस लिए? बिकॉज इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल, वही ले लेते, क्या राम 2 घंटे से फ्री फायर खेल रहा था? क्या राम 2 घंटे से फ्री फायर खेल रहा था? नहीं, वो पढ़ाई कर रहा था. हैड राम बीन सॉरी नॉट स्टडी प्लेइंग फ्री फायर फोर 2 आवर्स. क्या राम 2 घंटे से फ्री फायर खेल रहा था? इसके अलावा अगर उसने पढ़ाई कर रहा था, काम क्या फ्री फायर की जगह लेते 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था. क्या राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था? तो फिर यहाँ आ जाएगा, had Ram been studying for 2 hours. Had Ram been studying for 2 hours. तो इसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने इसका स्ट्रक्चर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस विवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, क्या राम 2 घंटे से फ्री फायर खेल रहा था?
had Ram been playing Free Fire for 2 hours? क्या राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था? Had Ram been studying for 2 hours? Right, अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं. डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस क्वेश्चन मार्क. WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस क्वेश्चन मार्क. तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. एग्जाम्पल राम 2 घंटे से पढ़ाई क्यों कर रहा था. राम 2 घंटे से पढ़ाई क्यों कर रहा था. रहा था आ गया मीन्स कौन सा टेंस है. दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इंग्लिश देखते हैं सबसे पहले WH फैमिली मीन्स वाई had Ram been studying for 2 hours? Why had Ram been studying for 2 hours? Ram 2 घंटे से पढ़ाई क्यों कर रहा था. Right? So friends, that's all about this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश ऑन योर टिप्स. Thanks for watching.